रिकॉर्डिंग सॉल्यूशंस ऑफ लाइव कुछ थ्री मैथ सॉल्यूशंस, सो दे टेन क्वेश्चन दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन रैशन इक्वलिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था हाँ लस कि आपने कॉन्सेप्ट ढंग से नहीं समझे नहीं पढ़े तो फिर आप नहीं कर पाएंगे बट अदरवाइज तो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड था तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले कि x है हमारा और जो x माइनस होल स्क्वायर है उसको हम हटाएंगे क्योंकि सारे लीनियर फैक्टर्स लाने होते हैं वेविकर मेथड में और फिर यहाँ पर एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि यहाँ से इसको भी परफेक्ट स्क्वायर है इसको भी हटाना है हमें और इसको भी हटाना है द नॉमिनेटर इज फाइंड टू एक्स लीनियर फैक्टर्स हैं टू एक्स माइनस वन टू एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू जीरो तो हम पहले मान हम सॉल्व कर लेते हैं एक्स नॉट इक्वल टू वन एक्स नॉट इक्वल टू टू के लिए हमने डिवाइड कर दिया एक्स माइनस वन होल स्क्वायर एक्स माइनस टू होल स्क्वायर से लेफ्ट हैंड साइड पे ये रह जाएगा हमारा लीनियर फैक्टर्स रह गए और इस साइड पे हमारा ये नो जब मैं ज़ीरो को डिवाइड करूंगा इस एक्सप्रेशन से एक्स माइनस वन होल स्क्वायर एक्स माइनस टू होल स्क्वायर से तो जीरो डिवाइड बाई एनी जीरो और हमने एक्स नॉट इक्वल टू वन एक्स नॉट इक्वल टू टू लिया है तो डिवाइड कर सकते हैं वी आर नॉट डिवाइडिंग बाय जीरो राइट तो इसके बाद मैंने जो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं प्लॉट कर लिए हैं यहाँ से आपका सबसे लेफ्ट मोस्ट आता है माइनस हाफ फिर आता है आपका जीरो फिर आ रहा है आपका हाफ और फिर आ रहा है आपका टू तो ये मेरे चार पॉइंट्स हैं मैंने प्लॉट कर लिए हैं राइट मोस्ट में प्लस होगा बिकॉज वी नो दैट राइट मोस्ट में ये जो एक्सप्रेशन है इसका साइन प्लस होता है राइट right मोस्ट में एंड देन माइनस एंड देन प्लस एंड देन माइनस एंड देन प्लस तो यहाँ से अगर हम देखेंगे हमें लेस देन इक्वल टू जीरो चाहिए लेस देन इक्वल ये इंटरवल है नेगेटिव का ये इंटरवल है ये दो इंटरवल हैं तो मैं आंसर लिखूँ मेरा एक्स बिलोंग्स टू माइनस हाफ ओपन ब्रैकेट ज़ीरो जीरो आंसर में इंक्लूड करना है बिकॉज मैं जीरो डालूंगा तो सेटिस्फाई कर रहा है तो जीरो 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 रिप्लेस करेंगे तो जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो ट्रू है सेटिस्फाई कर रहा है इन को जीरो को मैं स्क्वायर ब्रैकेट से इंक्लूड किया एंड देन यूनियन और यहाँ मेरा हाफ से हाफ मेरा नहीं इंक्लूड करेंगे बिकॉज हाफ पे डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है सेटिस्फाई नहीं हो रहा हाफ़ और साथ में हाफ़ टू 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 मेरा टू प्लग इन करूंगा तो सेटिस्फाई हो रहा है स्क्वायर ब्रैकेट आएगा अब मैंने देखा एक्स इक्वल टू तो टू तो मेरा आंसर में आ गया टू तो सेटिस्फाई कर आंसर में आ गया वन बी सेटिस्फाई कर रहा है इसको वन में प्लग इन कर रहा हूँ तो वन पे लेफ्ट हैंड साइड जीरो बन रही है और ये है इफ़ आई प्लग इन वन इन द लेफ्टन माइनस वन जीरो इट बिकम जीरो वन जीरो इन टू एनी थिंग जीरो जीरो टू वन में एनी थिंग इज जीरो नीड टू वरी तो ये भी ट्रू हो गया तो वन भी सेटिस्फाई कर रहा है मैं वन भी लेना है साथ पे अब हमें काउंट करना था कितने इसमें इंटीग्रल सोल्यूशन है तो माइनस हाफ टू जीरो में जीरो ही माइनस ये जीरो आ गए हैं इंटीग्रल सोल्यूशन इसके भी यहाँ वन आएगा आएगा, आ, वन तो इसमें से ऑलरेडी सॉरी ऑफ इट तो ये मेरे सॉल्यूशन आ रहे हैं जीरो ऑलरेडी इंक्लूडेड सो अलग से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं पार्ट है आंसर बट वन सेटिसफाई कर रहा है टू भी सटिस्फाई कर रहा है आंसर का पार्ट होने चाहिए तो हमने कर लिया और में आ रहे हैं नो दिस इज अ क्वेश्चन वेर वी हैव टू फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर दिस फंक्शन इज डिफाइंड इट मीन्स डोमेन वो एक्स की वैल्यूज जो फंक्शन है एफ को डिफाइन करती हैं वो डोमेन होती हैं उसकी एक्स फंक्शन की डोमेन है और लॉग है तो मैं मेक श्योर sure करना है ये वाला जो पार्ट है जो लॉग के अंदर वाला पार्ट है इट हैज़ टू बी ग्रेटर दैन जीरो लॉग कैन नाट टेक नेगेटिव वैल्यूज लॉग कैन नॉट टेक जीरो लॉग ओनली टेक्स पॉजिटिव वैल्यूज तो ये जो भी एक्सप्रेशन लॉग में था मैंने इसको ग्रेटर दैन जीरो कर दिया और ये करने के बाद ये रैशनल इनिक्वालिटी बन गई है जिसको हम वही अपना विवेकर मेथड लगा के सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई किया टू एक्स प्लस वन इंटू थ्री एक्स माइनस वन माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू डिवाइडेड बाय टू एक्स प्लस वन इंटू थ्री एक्स माइनस वन गटर दन जीरो मैंने न्यूमिटर को सिंप्लीफाई करा यहाँ से मेरा आ रहा है सिक्स एक्स स्क्वायर वो माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया फिर यहाँ से थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस एक्स आता है वो बच गया कॉन्टेंट हम माइनस वन आती है यहाँ से और यहाँ से आपकी प्लस टू आती है तो प्लस वन बच गया तो ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई जहाँ पे हम विविकल मेथड लगा दिया हमने लेफ्ट मोस्ट से मेरा माइनस वन है फिर माइनस हाफ है फिर वन बाय थ्री है राइट मोस्ट प्लस देन माइनस देन प्लस फिर माइनस हमें ग्रेटर चाहिए कहाँ पे ग्रेटर है यहाँ पे ग्रेटर है ये ग्रेटर है तो ये मेरा आंसर आ गया एक्स बिलोंग्स टू और मुझे एंड पॉइंट देखना है एंड पॉइंट कौन से इंक्लूड करने हैं हमें एंड पॉइंट यहाँ कहीं इंक्लूड नहीं करने ग्रेटर का साइन है इक्वल टू का साइन नहीं है तो कोई जंक्शन पॉइंट नहीं आएगा कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा सब जगह ओपन आएगा माइनस वन से माइनस हाफ यूनियन वन बाय थ्री से इन्फिनिटी ये मेरा सोल्यूशन सेट हो गया यहाँ से मैंने जहाँ पर ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है वो उठाना है और ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव यहाँ पर होता है राइट मोस्ट में फिर ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन होते हैं तो दो जगह यहाँ दो इंटरवल में यहाँ पे और यहाँ पॉजिटिव है बाकी सब बाकी दोनों जगह नेगेटिव है तो पॉजिटिव इंटरवल उठा लिया हमने तो यहाँ से आंसर हमारा बी मैच कर गया राइट बी आंसर यहाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन लेना है हमें तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान से चलना पड़ेगा हमने यहाँ पे क्या करा आइडिया जो लगाया हमने इसमें देखो इस टर्म को मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊँगा तो ये लॉग की प्रॉपर्टी अगर आप नहीं सोच पाए तो ये फिर अटके रहेंगे इस क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी मैंने ऐसे लिख लिया क्योंकि यहाँ से थोड़ा हिंट मिलता है कि यहाँ पर जो लॉग है उसका बेस थ्री है और ये ये जो दूसरा लॉग है उसका बेस थ्री नहीं है वैल्यू थ्री है तो उसको हमें ये प्रॉपर्टी लगा के कन्वर्ट करना था कि मुझे बेस को वैल्यू बनाना है और वैल्यू को बेस बनाना है तो ये जो प्रॉपर्टी थी ये मेरे को यूज करनी थी और हिंट यहाँ से मिल रहा है कि यहाँ पे जो बेस है थ्री फर्स्ट लॉग एक्सप्रेशन में सेकंड में वो वैल्यू है तो दोनों को सेम बनाना है तो यहाँ मैंने इसको पहले डिनोमिनेटर में ले गया अगले स्टेप में इसको मैं न्यूमरेटर में ले आया प्रॉपर्टी यूज़ करके बेस को वैल्यू बना दिया और वैल्यू को बेस बना दिया अब ये करने से मेरा फ़ायदा हो गया सीधा मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ एक्सक्वायर प्लस टू इक्व टू एक्स प्लस टू टू कैंसिल होकर एक्स स्क्र इक्वल टू एक्स तो या तो एक्स जीरो होगा या वन होगा और हमने हमें मेक श्योर करना पड़ेगा इससे कोई यहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है लॉग में नेगेटिव नंबर तो नहीं आ रहा है लॉग में ज़ीरो तो नहीं बन रहा है नहीं बन रहा है ना तो बेस में प्रॉब्लम आ रही है इफ़ यू रिप्लेस ज़ीरो और वन नो प्रॉब्लम क्योंकि बेस मेरा डिफाइंड है बेस की कंडीशन क्या होती है अगर लॉग में लॉग ऑफ बीस पे है तो बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और बेस मेरा या तो जीरो से वन के बीच में होना चाहिए या फिर ग्रेटर देन वन होना चाहिए तो ये कंडीशन ज़रूरी है देखना कि लॉग डिफाइंड होना चाहिए तो बेस जीरो से वन में होगा चलेगा वन से बड़ा होगा चलेगा नेगेटिव नहीं होना चाहिए और वन नहीं होना चाहिए बेस और वैल्यू आपकी ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए तो यहाँ पर दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं दो आंसर हो गए नंबर ऑफ सोल्यूशन टू हो गए इसके बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है चार लॉग हैं देखने में लग रहा मुश्किल है यहाँ से देखो कि इन इस लॉग की पूरी वैल्यू जीरो आ रही है यहाँ से सबसे पहले वो वा, ऊपर वाले लॉग को देखेंगे यहाँ देखो आप इसको हाइड करके ऐसे देखो लॉग ऑफ समथिंग इज जीरो देन वॉट शुड बी दिस समथिंग वो कब लॉग कब जीरो होता है लॉग ऑफ सम समथिंग सपोज मैंने यहाँ पे एफ एक्स कह दिया राइट right ऑन बेस हाफ ये अगर ज़ीरो है तो उसका मतलब क्या है ये जो एफ एक्स है वो आपका वन होना चाहिए तभी लॉग जीरो है तो उसी लॉजिक से लगा के मेरा ये जो पार्ट है लॉग ऑन ये मेरा वन होना चाहिए ये जो मैंने यहाँ पे क्रॉस कर रहा हूँ देखो ये वन होना चाहिए तभी उसका लॉग ज़ीरो होगा फिर यहाँ से मैंने प्रॉपर्टी लगा दी कि इस लॉग को इसको हाइड करके इसको भी हाइड कर लिया हमने इसे हाइड कर लिया तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी लॉग को एंटी लॉग ले लिया प्रॉपर्टी लगा दी बेस टू द दार राइट हैंड साइड बेस टू है टू द पार राइट हैंड साइड इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द लॉग इसको हमने हाइड किया था तो लॉग को सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं फिर मैंने सेम प्रॉपर्टी लगाई है वैल्यू टू द पार राइट हैंड साइड थ्री का स्क्वायर और यहाँ पे वैल्यू आ गई ये वैल्यू आ गई ये लॉग की वैल्यू ये सबसे पहले ये सबसे पहले बाहर का लॉग देखना है फिर उससे अंदर का फिर उससे अंदर कैसे देख रहे हैं यहाँ पहुँच गए हैं नाइन हो गया ये ये फोर था तो एक्स क्या हो गया फिर थर्ड टाइम प्रॉपर्टी लगाई है फोर टू द पार नाइन एक्स इक्वल टू फोर टू द पार नाइन तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते गए एंटी लॉग भी बोलते हैं उसको एंटी लॉग लेते गए हैं तो हमने इसे टू द पार नाइन ले लिया टू द फोटो दाइन को लिख सकते हैं टू टू दटन तो ये बेसिकली एक्स क्या है टू इन एटीन टाइम्स है तो इसमें एक ही प्राइम फैक्टर है टू एक ही प्राइम फैक्टर है टू तो मैंने जो सेट मेरा लिखा हुआ है कि मैंने एक सेट एस बनाया है जो चीज के से बना हुआ है जो कि के प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स है तो एक्स का तो एक ही प्राइम फैक्टर है टू और कोई फैक्टर है नहीं तो सेट एस में सिर्फ एक ही एलिमेंट है टू तो उसके सबसेट कितने होते हैं राइट यू नो दैट टू टू द पार नंबर ऑफ एलिमेंट्स दो सबसेट हो गए नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एस कितने होंगे टू टू दार नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे एस के सॉरी नंबर ऑफ पारन टू टू द दार एन सबसेट्स होते हैं एक अगर एन एलिमेंट्स है सेट में हमारे टू एलिमेंट्स हैं एलिमेंट है खाली तो टू टू दार वन तो दो सबसेट बन सकते हैं या तो एक फाइव सबसेट होगा या एक टू सबसेट होगा ये दो सबसेट ही बन सकते हैं अगर एक ही एलिमेंट टू है तो आंसर तो टू हो गया क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेट हमने सेट एक्स है जिसमें फर्स्ट सिक्सटी नेचुरल नंबर्स हैं फर्स्ट सिक्सटी नेचुरल नंबर्स हैं मेरा ए सेट है जो मैंने एक्स से बनाया एक्स के एलिमेंट्स लेके बनाया जो है मल्टीपल ऑफ थ्री हैं तो मेरा ए में मल्टीपल ऑफ थ्री रखने हैं मुझे मल्टीपल ऑफ थ्री मतलब थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व गोज ऑन लास्ट में सिक्सटी आएगा कितने एलिमेंट्स हैं अगर मुझे एन ए लिखना है तो कितने एलिमेंट्स हैं ट्वेंटी होंगे अगर डाउट लग रहा है काउंटिंग में प्रॉब्लम लग रही है तो ऐसे कर लो लास्ट एलिमेंट सिक्सटी है फर्स्ट एलिमेंट थ्री है ई पी का फॉर्मुला लगा के ए पी का फॉर्मुला लगाया हमने जनरल टर्म ऑफ ए पी का टी एन इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इन कॉमन डिफरेंस तो लास्ट टर्म सिक्सटी है फर्स्ट टर्म थ्री है नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है कॉमन डिफरेंस भी थ्री है थ्री से डिवाइड करके ट्वेंटी इक्वल टू वन प्लस एन माइनस वन एन इक्वल टू ट्वेंटी आ रहा है तो ऐसे अंदाजे से ही पता चल रहा था अगर डाउट लग रहा है तो कितनी टर्म्स हैं फर्स्ट टर्म थ्री है लास्ट टर्म सिक्सटी पता हमें है तो कितनी टर्म्स हो इसमें ट्वेंटी टर्म्स हो गई अब बी मैंने कैसे डिफाइन करा बी डिफाइन करा मल्टीपल ऑफ फाइव है तो फाइव टेन फिफ्टीन गोज ऑन अगेन अप टू सिक्सटी बिकॉज फिफ्टी इज आल्सो मल्टीपल ऑफ फाइव सिक्सटी भी आएगा लास्ट एलिमेंट सिक्सटी है तो यहाँ दिख रहा है कि हमारे कितने एलिमेंट्स होंगे फाइव फाइव के इसमें ट्वेल्व एलिमेंट्स होंगे अगर डाउट लग रहा है आपको तो ऐसे काउंट कर लो सेम जो बताया था कि लास्ट एलिमेंट सिक्सटी है फर्स्ट एलिमेंट फाइव है नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस भी फाइव है फाइव से डिवाइड करके आपका ट्वेल्व आ गया ये वन प्लस एन माइनस वन हुआ एन इक्वल टू ट्वेल्व आ गया ना से ही पता चल रहा था ए के फॉर्मूले से ही पता चल रहा है दो एलिमेंट है अब हमें निकालना है कितने कॉमन एलिमेंट्स हमें चाहिए हमें निकालना क्वेश्चन में अभी बताता हूँ क्या है? पहले कॉमन एलिमेंट्स देख लो कॉमन एलिमेंट में सिर्फ चार एलिमेंट ही आएंगे क्योंकि इसमें से जो मल्टीपल ऑफ़ थ्री बी और मल्टीपल ऑफ फाइव बी हो फिफ्टी होता है मल्टीपल ऑफ थ्री बी हो मल्टीपल ऑफ फाइव बी हो थर्टी भी होता है मल्टीपल ऑफ थ्री मल्टीपल ऑफ फाइव मेरा फोर्टी फाइव हो गया मल्टीपल ऑफ थ्री मल्टीपल ऑफ फाइव और सिक्सटी हो गया तो चार मल्टीपल ऑफ थ्री भी हैं फाइव बी हैं कॉमन एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर तो मेरा ये नहीं इंटरसेक्शन भी सेट बन गया अब निकालना था हमें क्वेश्चन में अगर हम देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग बोथ एन बी तो हमें एक्स के सबसेट बनाने हैं जो सिक्सटी एलिमेंट्स हैं नेचुरल हम उनके सबसेट बनाने हैं उसमें बोथ एयर भी तो होने ही चाहिए उसमें ये सारे एलिमेंट होने चाहिए ये सारे एलिमेंट होने चाहिए और एलिमेंट हो सकते हैं और नहीं हो सकते क्योंकि मिनिमम लेंथ बनानी है उसकी मिनिमम साइज बनाना है तो आप ए को लो बी को लो और उसमें और कोई एलिमेंट ऐड मत करो लेकिन ए और बी तो होने ही चाहिए तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स वुड बी द वन विच में जस्ट ए और बी हैं और नहीं है अगेन वी अगेन आई रिपीट हमें ऐसा सबसेट बनाना है एक्स में से जिसमें ए तो होना चाहिए बी भी होना चाहिए और एलिमेंट भी हो सकते हैं लेकिन हमने कहा मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए तो मिनिमम क्या होगा ए रखो बी रखो और मत रखो तो मुझे बेसिकली हमें क्या निकालना है ए के सारे एलिमेंट लेने हैं बी के सारे एलिमेंट लेने हैं ये काउंट करना है मतलब तो हमें ए यूनियन भी बनाना है बेसिकली ए यूनियन बी का सेट बनाना है ये, ये सेट बनाना है तो ए यूनियन उसके एलिमेंट्स देखने हैं कितने हैं एन ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होते हैं उनको तो पता ही है कि इसमें एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन भी ये फॉर्मुला लगा दिया या कॉमन सेंस से देखो मुझे ए के एलिमेंट भी लेने हैं बी के भी लेने हैं तो जो कॉमन एलिमेंट है दो बार काउंट हो गए ए में भी आ गए बी में भी आ गए और सेट में कॉमन एलिमेंट नहीं हो सकते रिपीटिशन सेट में नहीं हो सकती है तो वैसे देख लो या फॉमले से देख लिया आपने ये ट्वेंटी है ये ट्वेल्व है और कॉमन एलिमेंट फोर है ट्वेंटी एट हो गया ये आपने देखा कि ये एलिमेंट काउंट कर लिया आपने ये एलिमेंट काउंट कर लिया इसके अंदर आपने देखा A और भी के एलिमेंट मिला के कॉमन एलिमेंट दो बार आ गए

सो दिस इज अ क्वेश्चन वेयर वी हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन डोमेन निकाली डोमेन में दो कंडीशन आएंगी एक तो ये हमारा नॉन नेगेटिव होना चाहिए और ये भी हमारा नॉन नेगेटिव होना चाहिए दो स्क्वायर रूट है इसमें थोड़ा करने में टाइम लगेगा लेकिन थोड़ा स्मार्टली चलना है ये फैक्ट्रस करके एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू आ रहा है यह ग्रेटर देन इक्वल टू तो जीरो होना चाहिए और फाइव माइनस एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए मतलब एक्स लेस दे टू फाइव होना चाहिए ये तो सॉल्व हो गया इजिली इसको सॉल्व करने के लिए मैंने एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू कैंसिल कर दिया बट एक्स नॉट इक्वल टू टू भी लेना पड़ेगा क्योंकि डिनोमीटर में जीरो नहीं आ सकता तो अलग से लिख लिया एक्स नॉट इक्वल टू टू है तो उसको लास्ट में अगर आंसर में आएगा तो हटाना पड़ेगा मैं ध्यान रखना एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस वन ओवर एक्स प्लस टू एल सी एम लिया हमने तो यह आगे एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू ग्रेडे दिन एकव टू जीरो न्यूमिनेटर सिंप्लीफाई कर लिया इसको ब्रैकेट को ओपन किया यहाँ से स्क्वायर आएगा प्लस थ्री एक्स आएगा प्लस टू आएगा माइनस स्क्वायर माइनस टू तो कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ से देखो आप ये कैंसिल हो गया टू से टू कैंसिल हो गया ग्रेडर दन इक्ल टू ज़ीरो अब यहाँ पे हम हमारा न्यूमिनेटर थ्री एक्स है और डिनोमिनेटर में एक्सक्वायर प्लस टू अब एक्सक्वायर प्लस टू आपका कंप्लीटली पॉजिटिव है क्योंकि ये एक्सक्र प्लस टू हमेशा पॉजिटिव नंबर है एक्सक्वेयर इज ऑलवेज पॉजिटिव उसमें टू ऐड कर दिया आपने तो दोनों साइड को हमने एक्सक्वा प्लस टू से मल्टीप्लाई कर लिया कॉन्सेप्ट यही होता है जो पॉजिटिव एक्सप्रेशन है उसको हटा सकते हैं हमें लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में लाना है लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में लाने के लिए जो कंप्लीटली पॉजिटिव है इसको मैंने हटा दिया कैंसिल कर दिया और जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो और थ्री को भी हटा सकते हैं थ्री से भी मैंने डिवाइड कर दिया दोनों साइड को जीरो डिवाइड बाई थ्री जीरो ये थ्री कैंसिल हो गया तो मेरा सिम्प्लीफाई हो गया, खाली एक्स ओवर एक्स प्लस टू रह गया ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो कौन से पढ़े होंगे आपने कि मुझे लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म बनानी होती है तभी मैं वेविकल मेथड लगा पाता हूँ तो ये ये हमारा लीनियर फैक्टर नहीं बनते क्योंकि क्यों, कम्पलीटली पॉजिटिव है और पॉजिटिव है तो उसको हटा सकते हैं इनइक्वालिटी से हम साइन हमारा साइन इफेक्ट नहीं होगा लीनियर फैक्टर्स को ऐसे नहीं हटा सकते लीनियर फैक्टर साइन को अफेक्ट करते हैं उसमें अफेक्ट कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते पॉजिटिव है तो नहीं अफेक्ट करेंगे नेगेटिव है तो ट करेंगे अगेन थ्योरी में पढ़ा होगा आपने तो ये पॉजिटिव फैक्टर था हमने हटा दिया तो यहाँ से मेरा ये ये जंक्शन पॉइंट माइनस टू है ये ज़ीरो है यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा तो यहाँ से मैंने आंसर मार्क करा यहाँ से मेरा आंसर आ रहा है माइनस टू से लेके और ज़ीरो से आगे अब एक बार देख लेते हैं कि इक्वल टू साइन माइनस टू जीरो पर आएगा माइनस टू मेरा माइनस टू यहाँ सिंप्लीफाई करके यहाँ से माइनस टू मेरा नहीं ऐस माइनस टू मेरा यहाँ सेटिस्फाई नहीं करेगा डिनोमिनेटर तो में आ रहा है सॉरी ही देख सकते माइनस टू सेटिस्फाई नहीं करेगा डिनोमिनेटर तो में आ रहा है और जीरो मेरा सेटिस्फाई कर रहा है राइट जीरो करेगा क्योंकि वो जीरो डिनिनेटर में आ रहा है प्लगिंग करके भी से देख सकते हो यहाँ से देख लो जीरो सेटिस्फाई कर रहा है तो जीरो पे इक्वल टू साइन है लेकिन माइनस टू पर नहीं है फिर हमारी दूसरी कंडीशन थी फाइव या फाइव से कम ये आंसर था तो इनका मुझे कॉमन पार्ट लेना है तो ये वाला कॉमन पार्ट हो गया माइनस टू से पीछे और जीरो से लेके फाइव तक अब यहाँ पे क्वेश्चन में सोलूशन सेट नहीं पूछा पूछा हमसे कितने इंटीग्रल सोल्यूशन है पॉजिटिव इंटीग्रल्स पहले वैल्यूज है एक्स की तो इस बार ट्रैप था इसमें पॉजिटिव इंटीग्रल में जीरो है वन है टू हम नहीं लेंगे हमने पहले ही कहा था एक्स नॉट इक्वल टू टू है जीरो भी नहीं लेंगे पॉजिटिव कहा है भाई ये मिस्टेक हो सकती है आपसे जल्दी में जीरो ले लिया आपने बट हमें पॉजिटिव जीरो इज नॉट जीरो इज नीदर पॉजिटिव नर नेगेटिव जीरो इज इवन नंबर बट नॉट नीदर नेगेटिव नर पॉजिटिव तो ये जीरो हट गया पॉजिटिव नहीं है टू भी हट गया टू पहले हमने देखा था कि हमने डिनोमिनेटर में आ रहा था एक्स माइनस टू उसका फैक्टर तो थ्री फोर फाइव तो यहाँ से चार सोल्यूशन हो गए आपके राइट तो हमारे ये सोल्यूशन आ रहे हैं वन आ गया थ्री आ गया फोर आ गया फाइव आ गया फाइव आपके पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन है फाइव नहीं कुछ लोगों ने फाइव कर दिया होगा जीरो को इंक्लूड कर लिया होगा कुछ लोगों ने सिक्स कर दिया होगा टू को भी इंक्लूड कर लिया होगा यहाँ लिखा था ना एक्स नॉट इक्वल टू टू क्योंकि टू पे ही देख लो आप टू पे डिफाइंड डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है टू पे टू कैसे आंसर हो सकता है तो इसलिए आंसर यहाँ फोर था दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनक्वालिटी है लॉ की इन इक्वालिटी है साथ में यहाँ पे बेस में भी एक्स आ रहा है तो यहाँ ध्यान से करना पड़ता है केसेस बनाने पड़ते हैं दो केस बनाते हैं पहला केस बनाया एक्स एक्स गेडन वन है जब गेडन वन है तो हम इसको एंटी लॉग ले लिए दोनों साइड और साइन इफेक्ट नहीं, नहीं होता तो यहाँ से दोनों साइड के क्योंकि बेस सेम है एंटी लॉग ले लिया एक्स be ग्रेटर देन एक्स प्लस वन ग्रेटर देन टू माइनस एक्स आ गया सॉल्व करके आ गया टू एक्स ग्रेटे दैन वन तो यहाँ से एक्स ग्रेटे दैन हाफ आ गया लेकिन एक्स ग्रटे देन वन भी होना चाहिए तो ये दोनों कंडीशन लगाएं कि यहाँ से आंसर आता है हाफ से बड़ा होना चाहिए एक्स लेकिन हमारी कंडीशन कहती है वन से बड़ा होना चाहिए एक्स दोनों को कंबाइन करके इंटरसेक्शन लेके आंसर आ जाता है एक्स बिलोंग्स टू वन टू इन्फिनिटी ये आंसर आ रहा है लेकिन अभी एक केस का आंसर आया दूसरा केस भी लेना है हमें एक्स एक जीरो से वन एक्स अगर जीरो से वन है मतलब बेस आपका जीरो से वन है तो इस बार मैं एंटी लॉग लूंगा तो मेरा साइन अफेक्ट हो जाएगा साइन मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स प्लस वन है तो ग्रेटर का साइन लेस का साइन बन गया है टू माइनस है दोनों साइड पे लॉग कैंसिल कर दिया लेकिन लॉग कैंसिल करने के लिए हमें लॉग कैंसिल मतलब एंटी लॉग ले लिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया अगर बेस जीरो से वन है तो हमें साइन रिवर्स हो जाता है इनइक्वालिटी का पढ़ा होगा थ्योरी में आपने तो यहाँ से आपका टू एक्स यहाँ से टू एक्स लेस देन वन आ रहा है एक्स लेस देन हाफ आ रहा है तो ये सोल्यूशन एक्स लेस देन हाफ आ है और लेकिन मेरा मेरा इंटरवल क्या था इंटरवल था जीरो से वन वो इंटरवल में ही सॉल्व किया हमने तो कॉमन सोल्यूशन लेते हैं तो ये आपने मिस्टेक ना कर दी दिया कॉमन सोल्यूशन यहाँ से जीरो से हाफ़ आ रहा है अब मुझे यहाँ से भी आंसर वन से इन्फिनिटी आ रहा है यहाँ से आंसर जीरो से हाफ आ रहा है दोनों आंसर जो कंबाइन करना है कुछ आंसर वहाँ से आ रहे हैं कुछ यहाँ से आ रहे हैं उनका यूनियन ले लिया दोनों साइड का यूनियन ले लिया फ़ॉर द फाइनल आंसर तो आंसर हो गया आपका एक्स बिलोंग्स टू जीरो से हाफ यूनियन वन से इंफिनिटी राइट right? तो ये हमारी जो चॉइस होगी हम उसको पिक कर देंगे जीरो से हाफ वन से इन्फिनिटी सॉरी so, ये कंडीशन भी लेनी है अभी देखा मैंने रह गई थी ये टू माइनस एक्स है वो हमारा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए लॉग में एक्स प्लस वन ग्रेडे दिन जीरो होना चाहिए वो तो पता है एक्स ग्रेटर देन माइनस वन होना चाहिए वो तो हमारा आंसर में आया नहीं है तो ये तो ठीक है और ये जो मतलब एक्सकेट दिन मानस वन आंसर आया हमारा लेकिन यहाँ से आ रहा है एक्स लेस देन टू होना चाहिए क्योंकि लॉग डिफाइंड रहना चाहिए ये मिस नहीं करना आपने लॉग की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए लॉग में मीनिंग लेस नहीं होना चाहिए तो जो भी आंसर आप फाइनली उसका एक्स लेसन टू से भी इंटरसेक्शन लेना है तो आंसर जो मेरा यहाँ से आया था वो आया था जीरो से हाफ कंबाइन करके केस वन केस टू ये आंसर आया और वन से लेके इन्फिनिटी आया था ये आंसर आया लेकिन मेरा दूसरा कंडीशन कह रही है जो भी निकालो टू से कम निकालना है तो लॉग मीनिंग लेस हो जाएगा लॉग मीनिंग लेस होने नहीं दे सकते हम तो हमने एक्स लेस एंड टू भी कंडीशन डाल दी तो दोनों कंडीशन का कॉमन पार्ट लेंगे तो इतना इतना पार्ट बन रहा है और इतना पार्ट बन रहा है ओरली भी कर सकते थे बट मैंने नंबर लाइन पर दिखा दिया जीरो से हाफ यहाँ से आ रहा है और यहाँ से वन से इन्फिनिटी नहीं वन से टू तक रुक गया आंसर तो ये आंसर है इसमें भी ट्रैप था राइट right? तो क्वेश्चन मैंने कुछ कुछ ट्रैप डाले हुए थे कि जो मिस्टेक करेंगे वो ट्रैप में ना आ जाए सो आई मेड दिस क्वेश्चन एंड चोइस तो ये ट्रैप था इसमें कि जल्दी में आप ये बी आंसर ना टिक कर दो आंसर डी है इसका वन से टू तक ही जाना है दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन यू नो सेट्स इस तरह का क्वेश्चन मीन्स uh, में भी आया था उसी को मैंने चेंज करके बनाया क्वेश्चन को ये यहाँ पे सेट है, ये है मेरा सेट बी ये है नंबर पे ड्रा कर लेते हैं बेटर रहेगा मेरा ये सेट ए ड्रा कर लिया मैंने ये सेट बी ड्रा कर लिया तो कॉमन एलिमेंट्स इसमें हैं थ्री सिक्स नाइन थ्री सिक्स सेवन कॉमन है नाइन यहाँ पे है यहाँ पे बच जाता है वन टू फोर फाइव तो ये मैंने री यू नो ए और बी के फॉर्म में इसको लिख लिया वन डायग्राम पे लिख लिया सुपर सेट यूनिवर्सल सेट ये है मेरा अब यहाँ पे क्वेश्चन आपने समझना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इन दिस नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने मतलब सी सेट निकालने हैं, ये सेट है इस राइट right? तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स निकालने नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद दिस कंडीशन सी कितने सेट बन सकते हैं क्योंकि ये सेट उफ, ये जो है क्या ये सेट ऑफ सेट्स है ये सी सी नो you know, जो ये जो हमने सेट बनाया बाहर ये सी सेट्स के सेट्स से हैं ये तो उसके जो तो एलिमेंट हैं वो सी सेट्स हैं तो कितने एलिमेंट हैं तो कितने सी सबसेट बन सकते हैं सच देट Uh, कितने सी सेट्स बन सकते हैं सच दैट कंडीशन क्या है सी सबसेट ऑफ ए सी ए का सबसेट होना चाहिए तो समझें कि सी को मुझे ए में से चूज करना है सी इसके बाहर नहीं जा सकता सी इसके अंदर ही होना चाहिए तो समझ लो सी में कभी नाइन नहीं आ सकता सी तो के नेवर हैव है क्योंकि सी सबसेट ऑफ है नाइन सी सी ए के बाहर था तो सी में नहीं जा सकता बिकॉज सी सबसेट ऑफ ए साथ और मैं दूसरी कंडीशन है कि जो नंबर कॉमन एलिमेंट्स हैं सी की बी के साथ वो वन होना चाहिए बी के साथ कॉमन एलिमेंट्स वन होने चाहिए तो यहाँ से हमारा केस क्या बना कैसे करेंगे इसमें कि अगर हम ऊपर वन डाइग्राउंड से देख के चलें तो यहाँ से मेरा आप देखा मैंने कि मैं टेबल से थोड़ा करने की कोशिश करता हूँ मैं मान रहा हूँ कि बी का कॉमन एलिमेंट विथ सी होना चाहिए कम से कम एक एग्जैक्टली exactly वन होना चाहिए सी के साथ एक कॉमन एलिमेंट एक कॉमन एलिमेंट होना चाहिए कंडीशन ये हमारी यही है कि सी का बी के साथ एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए अब वो और ए में भी होना चाहिए तो ये थ्री या सिक्स या नाइन ही हो सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है थ्री सिक्स और सेवन ही हो सकते हैं तो मैंने कॉमन एलिमेंट सी और बी का मैंने पहले थ्री मान लिया कॉमन एलिमेंट है तो आना ही चाहिए एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए सी का बी के साथ तो सी में, में मेरा ये थ्री आ गया राइट सी में एलिमेंट थ्री आ गया मैं यहाँ पे वी आर फॉर्मिंग सी फॉर्मिंग सेट सी तो वहां से थ्री आ गया अब थ्री आ गया अब क्या और आ सकता है अब इनमें से कुछ भी आ सकता है वन भी आ सकता है टू भी आ सकता है थ्री भी आ सकता है फोर भी आ सकता है इन चार में से हम कोई भी एलिमेंट चूज कर सकते हैं उसके लिए मेरे टू टू द पार फोर ऑप्शन हो गई टू टू द पार फोर फॉर्मला याद करना पड़ता है टू टू द दार एन ऑप्शन है राइट right? मतलब तो ये सारी ऑप्शंस काउंट हो गई हैं मेरा वन आया टू आया थ्री आया फोर आया वन टू आया दो एलिमेंट दो ले लिया आपने टू थ्री ले लिया वन वन थ्री ले लिया वन फोर ले लिया ये सारे इस तरह के केस थ्री uh, नहीं है सॉरी टू फोर है टू फोर ले लिया राइट तो ये एलिमेंट्स इस तरह से लेते जा रहे हो आप वन फाइव वन फाइव ले लिया टू फाइव ले लिया ऐसे ऑन और केस आएंगे भी इसमें और, नहीं दो और आएंगे राइट थ्री फाइव आ गया ऐसे फोर फोर फाइव आ गया आपका इस तरह से फिर अभी वन टू तीन तीन ले सकते हो उसके अंदर वन टू फोर वन टू फाइव टू फोर फाइव राइट ऐसे वन वन फोर फाइव वन फोर फाइव ऐसे या फिर आप सबको ले सकते हो तो ये मैंने जरा आइडिया देने की कोशिश करी और सिक्सटीन आंसर इसलिए बनता है आप इन वन टू फोर फाइव में से जो तो चार एलिमेंट ए में से है इनमें से कोई भी एलिमेंट चूज़ कर सकते हो आप या नहीं भी चूज़ कर सकते तो सारे केस आ गए इसमें कि भी ऐड करना पड़ेगा नहीं चूज़ किया आपने कोई एलिमेंट लिया ही नहीं इसमें से तो ये टू टू द पार फोर ऑप्शन बनती हैं आपने टू टू तो दार इन फॉर्मला याद ही किया है राइट कितने सबसेट बना सकते हो उसका फॉर्मला याद किया वही हो गया यहाँ से कितने एलिमेंट चूज कर सकते हैं इन चारों में से हम टू टू द पार फोर फिर मैंने यहाँ से थ्री तो लिया था अब सिक्स ले लिया तो कॉमन एलिमेंट बी और सी का सिक्स है एक ही होना चाहिए वो सिक्स है तो सेम लॉजिक से हम बाकी जो नहीं है बी के अंदर वन टू फोर फाइव वन में से कितने हम चूज कितने वेज हम चूज़ कर सकते हैं टू टू तो वेज में टू टू द पार फोर हमारे यू नो सबसेट बन सबसेट यूज़ कर रहा है टू द तो दार फोर सबसेट हो सकते हैं इनमें से इसको चूज करके सबसेट बनाना है और उस सब में सिक्स रख दिया कि तो सिक्स आना चाहिए उसमें कॉमन विद वन आना चाहिए फिर यहाँ पे मेरा मैंने मेरा यहाँ पे सेवन हो गया जब सेवन चूज करा तो सेवन हर सेट सी में जाएगा लेकिन बाकी एलिमेंट भी हो सकते हैं वो वो कौन से होंगे जो इनसे हम सबसे बना सकते हैं सेम टू टू द पार फोर तो तीन बार टू टू द पार फोर आ रहा है जब हमने कॉमन एलिमेंट बी और सी का थ्री लिया तो टू टू द पार फोर आ रहा है हमने बाकी एक ही एलिमेंट में से चूज कर लिया फिर सिक्स अंदर टू टू द पार फोर तो ये मेरा थ्री टाइम्स टू टू द पार फोर आ रहा है तीन बार इसको काउंट करना है सो थ्री टाइम्स टू टू द पार फोर सो थ्री टाइम्स सिक्सटी फोर्टी एट हो गया राइट right, थोड़ा सा uh, um, तो पहले सिमिलर क्वेश्चन नहीं किया इज नॉट इजी क्वेश्चन अगर पहले आपने किया हुआ है तो ये थोड़ा भी डूएबल था दिस वाज इजी क्वेश्चन वी हैव टू जस्ट सॉल्व दिस यू नो इनिक्वालिटी अपने मैथड लगाना है मैथड ऑफ इंटरवल्स वीवी कर मैथड तो यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं सारे कोविशेंट ऑफ एक्स को हम पॉजिटिव करते हैं तो उसको मैंने माइनस कॉमन लेके एक्स माइनस टू लिख लिया और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया इन इक्वालिटी को तो माइनस माइनस प्लस हो गया लेफ्ट साइड पे तो ये तो इजी क्वेश्चन था तभी टाइम भी कम दिया हुआ था लेस देन साइन ऑफ द इक्वालिटी चेंज हो गया बेविकर मेथड से लेफ्ट मोस्ट पॉइंट माइनस टू है फिर माइनस वन है फिर वन है फिर टू है यहाँ प्लस है, 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 है माइनस है प्लस है माइनस है प्लस है हमें देखना कहाँ पर प्लस है प्लस यहाँ पर है तो लेस देखना सॉरी मैं नॉट प्लस कि साइन ऑफ इन इक्वालिटी चेंज हो गया था कहाँ पे एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल टू जीरो है तो मैं ये वाला पॉइंट उठा रहा हूँ माइनस टू से माइनस वन और वन से टू तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू माइनस टू पे कर ब्रैकेट है ओपन ब्रैकेट आएगा क्योंकि माइनस टू सेटिसफाई नहीं कर रहा उसका करस्पॉन्डिंग फैक्टर डिनोमिनेटर में है माइनस टू सेटिसफाई नहीं करता फिर हमने यहाँ से माइनस टू से माइनस वन है माइनस वन को इंक्लूड करेंगे क्योंकि माइनस वन पे ये क्या बन रहा है जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो बन रहा है इफ़ यू प्लग इन माइनस वन है दिस बिकम जीरो माइनस वन प्लस वन जीरो एंड देन इक्वल टू जीरो इज ट्रू ट्रू है ये तो ये मेरा माइनस वक्लूड सिमिलर लॉजिक से मैं वन को इंक्लूड करूंगा और टू को नहीं करूंगा टू क्यों नहीं करूंगा क्योंकि एक्स माइनस टू डिनोमिनेटर में आ रहा है वो डिनोमिनेटर को जीरो कर रहा है टू मीनिंगलेस कर रहा है डिनोमिनेटर को लेकिन मैं अगर वन को इंक्लूड कर रहा है कि वन न्यूमिनेटर को जीरो कर रहा है और न्यूमिनेटर जीरो होने सेटिसफाई हो रहा है तो ये हमारा आंसर है माइनस टू टू माइनस वन ये बी आंसर है ध्यान चॉइसेस थोड़ी सिमिलर थी ए मत टिक कर देना जल्दी में टिक कर दिया जिसमें आपने माइनस वन और वन को इंक्लूड नहीं करा हुआ तो रॉन्ग आंसर में आएगा राइट right? तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये लॉग की क्वेश्चन है मैंने एंटी लॉग लिया राइट right? मतलब ये टू बेस टू द पार राइट हैंड साइड इक्वल टू एट माइनस टू टू द पार एक्स इक्वल टू राइट बेस सो वैल्यू वैल्यू इक्वल टू बेस टू राइट हैंड साइड ये को लगाया हमने कॉन्सेप्ट यहाँ मैंने सिम्प्लीफाई कर लिया टू टू द पार फोर अलग कर लिया टू टू द पार माइनस एक्स अलग कर लिया फिर मैंने एट माइनस टू टू द पार एक्स इक्वल टू सिक्सटीन डिवाइड बाई टू टू द पार एक्स इसको मैं डिनोमीटर में ले गया हूँ और टू टू द पार एक्स को मैंने टी ले लिया एक्सपोनेंशियल से मैंने मतलब टू टू दार एक्सपोन एक्सपोनेंशियल टर्म थी उसको तो मैंने टी प्लग इन कर लिया तो ये एट माइनस टी इक्वल टू सिक्सटीन बाई टी आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई एट टी माइनस टी इक्वल टू सिक्सटीन राइट पर ला के टी स्क्वायर माइनस एट टी प्लस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो अब यहाँ डिस्क्रिमिनेंट जीरो बन रहा है इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ये डी जीरो है तो ये बन रहा है टी माइनस फोर का परफेक्ट स्क्वायर चेक कर लो आप ये बन रहा है अगर ऐसे नहीं सॉल्व करना तो क्वाड्रेटिक मेथड से कर लो एट प्लस माइनस स्क्र रूट ऑफ सिक्सटी फोर माइनस सिक्सटी फोर ये जीरो बन जाता है देखो तो टी इक्वल टू फोर ऐसे आ गया जरूरी नहीं है अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी आइडेंटिफाई कर पाए तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी आप देखो यहाँ पे टी फोर आ गया टी फोर मतलब टू टू दर एक्स इक्वल टू फोर आ गया तो एक्स मेरा यहाँ से ये यह फोर है फोर क्या होता है टू स्क्वायर तो कंपेयर करके एक्स टू आ गया राइट एक्स टू आ गया तो इसमें ट्रैप मैंने क्या डाला था कि जल्दी में आपने फोर निकाला चॉइस टिक कर दी कुछ लोगों तो ने ऐसे गलत किया ये टी की वैल्यू फोर आई है मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है एक्स टू आ रहा है फोर नहीं एक्स टू आ रहा है तो ये ट्रैप था इसमें क्वेश्चन में जल्दी में जो रहते हैं वो ट्रैप था बाकी मैं एक बार आंसर में चेक भी कर लेना चाहिए कि आंसर को मीनिंगलेस तो नहीं कर रहा टू मैंने टू प्लग इन किया तो ये मेरा बस ये देखना है कि लॉग में नेगेटिव नंबर जीरो या नेगेटिव तो नहीं बन रहा है तो फोर बन रहा है ठीक है तो और ये मैंने टू प्लग इन किया तो ये भी ठीक बन रहा है यहाँ तो लॉग है नहीं, ही नहीं खैर यही चेक करना है यहाँ तो लॉग ही नहीं है सॉरी इसमें ज़रूरत नहीं इसको देखना है मुझे जब मैंनेक्स को टू प्लग इन किया है तो ये नेगेटिव नंबर या जीरो नहीं बनना चाहिए पॉजिटिव नंबर बनना चाहिए और ये फोर बन रहा है ठीक है बिल्कुल तो ये चेक करना होता है कि लॉग डिफाइंड होना चाहिए जो भी आंसर निकाला वो लॉग फेल नहीं होना चाहिए तो हमने प्लग इन करके आंसर को चेक कर लिया वो डिफाइंड है Thank you so much for watching this video if you like this video you know then you uh, you know uh, i would request you to do the like button for the motivation